Linda's Yearbix. Well, dear friends, as per my promise, I'm going to show you how you can make six pack. मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ तीन बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज। आप रूटीन में अपना नॉर्मल एब वर्कआउट करते हैं या तो इंक्लाइन या डिक्लाइन पोजीशन में या फ्लोर पे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल अलग तरीके से बताने वाली हूँ जो कि बहुत बहुत इफेक्टिव है। मैं पूरा प्रोसीजर आपको अपनी यूट्यूब वीडियो से बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर जस्ट इन ग्लिम्प्स में आपको यहाँ बताने वाली हूँ तीन बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज आप कैसे सिक्स पैक बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर बेडरूम में हूँ और मेरे पीछे यहाँ पर बेड है, और ये जो बेड है विच दिस इज नॉट वेरी सॉफ्ट काइंड ऑफ बेड, ये जो नॉर्मल एक बेड है, ना ही बहुत ये टाइट है इसका सर्फेस, इट्स जस्ट अ वेरी नॉर्मल बेड। और यूजुअली हम घर पे ऐसा ही बेड रखते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता है। तो आप अपने बेड पर ही कैसे अपना एब वर्कआउट कर सकते हैं और अपने एब्स को अच्छी शेप दे सकते हैं। इनफैक्ट यू कैन एक्चुअली मेक सिक्स पैक अगर आप इसके ज़्यादा रिपीटेशन करते रहें। तो यहाँ पर मैं आपको 5 to 7 रिपीटेशन बताऊँगी, लेकिन आप घर में जब आपको सिक्स पैक अगर बना रहे हैं, और जो आप यूजुअली मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सिक्स पैक कैसे बनाएं, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए है। सो यू ऑल कैन हैव ग्रेट एब्स, स्पेशली सिक्स पैक इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर, देन यू कैन इंक्लूड दिस थ्री एक्सरसाइज इन योर एब रूटीन। यहाँ मैं आपको बताऊंगी, सिर्फ आपको यहाँ पर बैठना है, बहुत पीछे की तरफ नहीं जाके बैठना है, बट यू हैव टू एक्चुअली आगे की तरफ बैठना है, जिससे कि आपके पैर का बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिले और पैर को आपको नीचे रखें। जो आप नॉर्मल जो आप क्रंचेस करते हैं वैसे आप क्रंचेस कर रहे हैं, लेकिन इसमें ना हम डिक्लाइन पोजीशन में है ना हम इंक्लाइन पोजीशन में, हम एक्चुअली हम बैठे हैं जिससे हम चेयर पे बैठते हैं और पैरों को हमने ऊपर रखा है, और बिल्कुल पैरों का सपोर्ट नहीं यहाँ पर। जितना भी प्रेशर आएगा वो आपके सिर्फ और सिर्फ आपके एब पर आने वाला है। तो यहाँ पर आपको क्रंचेस करने हैं, यू शुड जस्ट गो डाउन एंड नॉर्मल क्रंचेस। आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं, एटलीस्ट 20 से आप शुरुआत कर सकते हैं, देन यू कैन गो फॉर 20, 30, 40 एंड यू कैन गो अप टू 50 एक्चुअली। आप चाहे तो इंटरवल्स में भी कर सकते हैं इसको। देन सेकेंड एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाली हूँ, इसमें पैर आपका थोड़ा सा पीछे है, एंड अगेन आप इसमें आप चाहे तो आप पैर थोड़ा नीचे रख सकते हैं, इसको पैर को यहाँ पे टक करके रख सकते हैं, या फिर आप पैरों को ऊपर की तरफ सिर्फ होल्ड करके टाइट करके रख सकते हैं, एंड ये वाली एक्सरसाइज में आपको ऊपर आना है। तो इफ यू वॉन्ट यू कैन थोड़ा सा पैर नीचे रख लें और पोजिशन आपकी यही रहेगी, ऐसे ही आपको बैठना है, एंड दिस टाइम आप जब क्रंचेस करें तो आपको थोड़ा सा और ऊपर अपने आप को उठाना है, राइट, और हाथों को आपको बिल्कुल ऐसे ही रखना है। सो अगेन वेल इससे भी आप अराउंड 20 कर सकते हैं स्टार्टिंग में, इसमें जितना भी प्रेशर आ रहा है वो सारे आपके एब्स पर ही आ रहा है, यहाँ पे कोई आपका सपोर्ट यहाँ पे आपको पैरों से नहीं मिल रहा, सारा प्रेशर आपको एब्स से मिल रहा है, सारा वर्कआउट एब्स मिल रहा है। और अब जो वर्कआउट देख रहे हैं वो आप बताऊंगी मैं आपको, वो आप एक्चुअली आप फ्लोर पे करते हैं यूजुअली, लेकिन यहाँ पर हम इस बेड पर करेंगे इसको, और यहाँ पर एडवांटेज आपको इस एक्सरसाइज में ये मिलता है बेड पे करने का, तो जब आप फ्लोर पे करते हैं तो आप सिर्फ फ्लोर से पैर को लिफ्टअप करते हैं और अपने आप को लिफ्टअप करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक्चुअली डबल प्रेशर लगाते हैं, बिकॉज आप अपने आप को अपने पैरों को फ्लोर से लिफ्टअप करते हैं और अपनी बॉडी को ऊपर लिफ्टअप करते हैं, तो इट गिव्स मच मोर इफेक्ट फॉर योर एब वर्कआउट। सो ये भी आप शुरुआत में कर सकते हैं अराउंड 20। सो दिस ऑल दीज आर माई वेरी वेरी फेवरेट एक्सरसाइज, सो कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इनकी कुछ रिपीटेशन करें एंड हैव ग्रेट एब्स एक्चुअली। सो ये आप एक्सरसाइज यूजुअली हम नीचे से पैरों को उठाने और ऊपर, दिस गिव्स लॉट ऑफ गुड प्रेशर ऑन योर लोअर एब्स। ऊपर उठते समय अपने पैरों को ऊपर लिफ्ट स्लोली स्लोली। सो दीज आर एक्सरसाइजेस व्हिच आई एम शोइंग यू नाउ, जो अब तक आपने देखी वो बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपके एब वर्कआउट के लिए, फॉर योर लोअर एब्स एंड फॉर योर अपर एब वर्कआउट। सो आई एम श्योर इन एक्सरसाइज को आपने डेली रूटीन में आप इंक्लूड करें, एंड यू कैन सी दैट विद इन फ्यू डेज यू कैन एक्चुअली सी द शेप इन योर एब्स। एक्चुअली यस डेफिनेटली यू कैन गेट सिक्स पैक विद ऑल दिस एक्सरसाइज, और बाकी जो प्रोसीजर मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ दैट यू कैन सी इन माई यूट्यूब वीडियोज, वे स्टेप बाई स्टेप यू कैन गो फॉर सिक्स पैक दैट, राइट। बट अभी आप ये करें एंड डेफिनेटली यू कैन हैव ग्रेट एब्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप फिट कीप स्माइलिंग।